हैप्पी बॉयज एंड गर्ल्स सीन ही है कि मैंने अपने आखिरी कुल पढ़ लिए हैं, क्योंकि मामू ना मुझे ये वीरान इलाके में ले हैं बड़े, कोई यहाँ पे देखो जरा चेक करो फार्म लैंड है, कह रहे मूसा जाके गेट खोला ताकि मुझे नीचे दे दे उसके बाद मेरी बोटियां हो रही हो। ओए ओए इधर 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 छोटा सा ये देखो बेबी गोट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। भाई बॉयज एंड गर्ल्स क्या चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना और मेरे साथ है इस वक्त मामू खाना गेलो हैं डॉन जी मुफ्ती साहब भाई एंड डॉन के पास बंदूक होती है, आपके पास कहाँ है? अब तो है अब तो रख ली है। बाय द वे बहुत अरसे बाद मामू को व्लॉग में ला रहे हैं, बड़ी अपडेट हो गई है मामू की जिंदगी में। मामू ना आजकल ये शहर में बदमाश बने हुए गन लेके ना। भाई देखो हर मर्द के पास एक जाती पिस्तौल होती है, मेरे पास है अपनी पिस्तौल, वो चलती है बहुत अच्छी। क्या कह रहे हो देखो असल में इसके पास पानी वाली गन है, इसकी बात कर रहा है। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स आज का प्लान ये है कि यू नो मैंने कहा था लास्ट व्लॉग में कि आइजन के जो अकीका हम कर रहे हैं उसके लिए हमने कुछ प्रिपरेशंस करनी है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बकरे लेने, मैं बड़ा तैयार होके सुबह निकला हूँ फुल रेडी शेडी होके। मामू कहते क्या भाई इतना तैयार होके जा रहे हो, अभी बकरे जाके कुर्बानी करनी है। फिर मैंने कहा यार ये जो मैंने शर्ट पहनी थी अपनी ये जो ब्रांड की मैंने बनवाई है, मैंने कहा ये पहन के रखते हैं, चलो व्लॉग में आते रहेगा ना। ये ऐसा सेल्फिश और ग्रीडी पर्सन है, सिर्फ बनाई भी तो अपने लिए शर्ट बनाई अपने साइजेस की है, मामू के लिए दो चार मामू के साइजेस की बना देता। भाई पता बात क्या है, अगर मैं पहन के टेस्ट करूंगा लोगों को दिखाऊंगा तभी लोग खरीदेंगे ना। यार मैं भी तो पहनता ना, मैं भी तो तुम्हारी मार्केटिंग करता। जब शर्टें अप्रूव हो जाएंगी फाइनल हो जाएंगे वो वाला प्रोडक्ट आपको पहनाऊंगा ना, मैं आपको अनफिनिश्ड प्रोडक्ट बनाऊंगा। खैर एनीवेज तो एक काम करने जा रहे हैं गोट और एक हम करने जा रहे हैं शीप। मैं जिस तरह कह रहा था कि जो कपड़े हैं वो फिर हमने ना आज ये ट्राउजर व्राउजर ही पहने हैं, साथ जूतियां शूतियां रखी हुई क्योंकि खून वून लग जाता है ना। अब बहुत अरसे बाद ये कुर्बानी वाला सीन मैं अपनी आंखों से देखूंगा, बल्कि आंखों से क्या देखूंगा, टांग टांगे मुझे पकड़नी पड़ेंगी। पहले कहां से देखते थे ये मामू के जोक्स कब खत्म हो गए, मैं तो उसकी टांगे पकड़ूंगा भाई, ये छुरी वुरी मैं नहीं फेरता। अबे तुम टांगे छोड़ना तो मैं उसको कपूरा पकड़ के दबा देना, वो खुद ही गिर जाएगा। उसका कपूरा उसका मैंने कपूरा पकड़ा ना तो उसने अपने सिंग मेरी टोई में घुसा देने। नहीं नहीं भाई पौतड़ जाते हैं बकरे अगर वहाँ गलत जगह से पकड़ लेना। खैर मैं नहीं बकरों को उन जगहों से पकड़ता रहा अपनी सारी जिंदगी, बट कहने का मतलब है मैंने कुर्बानियों में हेल्प कराई है, मैं बस छुरी नहीं कभी फेरता यार। असल में पता है क्यों मैं नहीं करता यार, एक मैं किसी को जानता था उनके ना वो भी अकीके की कुर्बानी कर रहे थे और मुझे याद है कि वो लिटरली ऐसे बकरे का गला काट रहे थे, केक नहीं होता बर्थडे वाला, यूं करके आराम से बकरा तड़पी जा रहा है। मैं तो यार वो साइट ही नहीं भूलती, मैं कह नहीं यार कोई प्रॉपर ट्रेंड कसाई हो ना मामू जैसा वो ही ये काम कर सकता है। अगर कसाई बोल दे तो क्या हुआ, पहले छुरियां रखते थे अब गन रखते हो। कितने अरसे बाद ये बंदा मुझे वीडियो में लेकर आ रहा है, वो भी सिर्फ बिकॉज ही वांटेड, नो बिकॉज उसके बच्चे का कीकर ही रिलेट्स टू मी एज वेल, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, माय ग्रैंड चाइल्ड सो उसके बारे में खबरदार तुमने भी बात की तो ये ऐसी मारी जा रहे। मैं इनको चाह रहा था लाऊं, असल में को मौका नहीं बन रहा था। बात सारी ये है कि यार क्योंकि देखो जब भी हम जाते थे मैं और फिजा होते थे या आइजन होता था, आप यू नो पिक्चर से गायब हो जाते थे। मैंने इतनी दफा ओए लास्ट व्लॉग में जब हम उसका गिफ्ट खोल रहे थे मैंने कहा नहीं था आप ले आके रिव्यू। हाँ मैं वहां से अभी काम से आया हूँ बाहर से, मुझे क्या कहता है आज बाहर जोन सा है रिव्यू वाली करने लगे। मैंने कहा भाई पहले मुझे देख मेरी हालत देख, हालत का क्या है। और अभी मैं तो सिर्फ बहाने से मतलब कहता चले आप फ्रेश हो जाएं और आप फिर इस बार इजी हो जाएं, सो देन वी कैन डू। भाई टाइम और व्लॉग किसी के लिए वेट नहीं करता, अभी भी तो देखो ना एकदम से मैंने चालू कर लिया। हो सकता है जब हम गाड़ी से उतरते मैं अकेले शुरू करता, रोज मामू के गाने सुनने पड़ते यार मुझे। यार कोई इनका कोके अपने म्यूजिक करियर शुरू कर दे इंस्टाग्राम पे, मैं तो बहुत पुश करता हूँ। तुम तो मेरी आवाज की तारीफ ही नहीं करते, तुम तो कहते क्या बद्दी टट्टू आवाज है मैं रोज तो सुननी पड़ती है यार गाड़ी में जाते हुए। मैं क्या मैं सोच रहा हूँ क्या ना कोई इंस्ट्रूमेंट रख लेता हूँ गाड़ी में ना, कोई तबला शबला। तुमने वो गिटार था वो बिलाल को, यार वो बिलाल को दे दिया, मैं गिटार आता था मुझे बजाना ना, वो मैंने अपने भाई को दे दिया, तो वो गिटार ना मैं गाड़ी में रख के ना हल्का हल्का बजाऊँ, आप भी गाते बजाओ। हाँ पहले तो प्लान यही था कि चलो ये गिटार बजाएगा और आई विल सिंग, गिटार तो चला गया तो मैं गाना गाऊंगा और ये डांस करेगा, या किसी का तबला भी बजा सकता हूँ। तुम अपने खैर करो, तुम्हारे पीछे जो कार्लोस पड़ा हुआ है मामू का एक वो है उधर काम करता है फैक्ट्री में ना, तो वो यार मेरे पीछे ही पड़ गया वो कार्लोस, तो बार बार नोटी नोटी पिछवाड़े के पीछे पड़ गया जब आता हूँ मैं मेरी पिट्ठी पे चपेट मार देता है। वाह 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 कहता है बड़ी शेप ऐसे उठी हुई है
फिर आता यू करेगा हाथ पे ना, यू यू करके गुदगुदिया करेगा, मतलब देख लो आप चाहे मेक्सिकन हो, येलो पीले नीले जो भी हो, ये एहसास नहीं जाता बंदे का, पाकिस्तान से चल रही है चीज। बस थोड़ा सा मैं तो मटक मटक के चले टाइट पैंट पहन के ऐसे। ओ कोई टाइट पैंट नहीं, मैंने सही पहनी हुई थी, मेरी पिट्ठी उस पैंट में बाहर आ रही थी ज्यादा, तो वो यू ना कार्लोस की नियत खराब हो जाती है। कार्लोस नहीं और भी बड़े हैं, क्या करें हम सिर्फ फीमेल जेंडर को नहीं ट्रैक करते ना, बंदे को दिखना ऐसा चाहिए और लगना ऐसा चाहिए, दोनों जेंडर को ट्रैक करे फिर होती है असल गेम। मामू बाय द वे आपने बताया नहीं शर्टें कैसी लगी। शर्ट बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं वही तो कह रहा हूँ सबसे अच्छे रिव्यूज तो मैंने दिए शर्टों के, भाई टू और थ्री डिजाइन ही डिडंट लाइक इट बट आई वाज द ओनली वन आई सेड नो दैट्स द बेस्ट, यू नो इतना मैंने इसको तारीफ किया, इतना मैंने इसको अप्रिशिएट किया, उसके बावजूद जो है ना सिर्फ अपने साइजेस की ना छोटी छोटी पोली पोली सी बनवा ली। मैंने कहा बाबू सारों को कही जाते हैं हाँ ये बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी है, तो मुझे लगा कि मामू का रिव्यू ऑनेस्ट नहीं था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया उसमें ना फुटेज में देखे। ये क्या बात हुई, अच्छा यू वांट टू हियर व्हाट यू लाइक एंड डिसलाइक। नहीं 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 सेंस, यू नो नहीं नहीं, तुमने मुझे कहा ना कि आप कोई वो ही नहीं कर रहे, तो मैंने कहा भाई मैं कैसे बुराई करूं जब एक चीज मुझे कोई आ ही नहीं रही बात, मुझे हर चीज अच्छी लग रही है। अच्छा मुझे लगा नहीं वैसे ही कह रहे हो ना कि नहीं यार चलो बेचारे रख ले बेचारे बेचारे गरीब ने इतनी मुश्किलों बैठ के कैट वॉक करनी थी, बात तो सही है, you know, बट मैं ओपिनियन लेना चाहता। खैर अभी ओवर साइज शर्ट्स वाली जो है ना वो भी आएंगी, ये तो फिटेड वाली थी ना, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे, उसका भी फिर रिव्यू करेंगे, फिर मैं फाइनल प्रोडक्ट निकालूंगा ताकि सबसे अच्छी चीज आप लोगों को जाए, मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन खैर अभी शर्टों के बारे में तो है नहीं ब्लॉग, लेट्स कंटिन्यू विद द गोट्स गोट शीप ठीक है हॉर्स एंड डोंकी। सारी उम्र में जो कर बहुत बहुत बातें होगी फजूल की, अब हम जाके सीधा आपसे मिलेंगे बकरों के पास, तो वो खैर कुर्बानी वाला जो वाला सीन है ना वो तो नहीं दिखा सकते, यूट्यूब गाइडलाइंस, और वैसे भी यार क्या मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊं, मैं बकरा और लैम तो दिखा देंगे ना। नहीं वो तो दिखाएंगे, जो बकरा है वो दिखाएंगे और उसके बाद आपको उनकी बोटियां दिखाएंगे ठीक है। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स आपको फिर उधर मिलते हैं, बट बिफोर वी गो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना और बेल आइकन भी दबा दें, विल सी यू गाइस देयर। सीन ये है कि मैंने अपने आखिरी कुल पढ़ लिए हैं क्योंकि मामू ना मुझे ये बेवीरान इलाके में ले हैं, बड़े कोई यहाँ पे देखो जरा चेक करो फार्म लैंड है, कह रहे मूसा जाके गेट खोला ताकि मुझे नीचे दे दे, उसके बाद मेरी बोटियां हो रही हो। डर तो ऐसे जैसे मैं कार्लोस को साथ लाया हूँ, बात तो सही है, मैं तो पता चले कार्लोस का ट्रक पीछे फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा मुझे मुझे ट्रक के पीछे ले जाए, मैं तो तुम्हारा सुसर हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा पागल। ठीक है जी, ये सुसर भी कभी कभी नोटी हो जाते हैं कोई पता नहीं है, ये देखो ये ट्रेलर बने हुए ना, चल उतर ना गेट तो खोलो भाई। अच्छा नहीं खैर नहीं, मैं इस जोक से पार्टी, हम एक बंदे के फार्म पे आए हैं तो वो सामने बकरे नजर आ रहे हैं, अभी आपको उनके पास लेके जाते हैं, तो ये गेट खोलना है हमने और अंदर लेके जाना है हमें अपनी गाड़ी, कोने पे जाके ना इसको निकाला, ए से ये खोल लेंगे गेट। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है यार कसम से, मैं इतनी देर बाद बकरे ना यूं करेंगे कुर्बान वगैरह, वो देखो बेचारा आराम से बैठा अपनी घास खा रहा है, उससे क्या पता सुबह दो कसाई आ गए इसकी। ये छोरन को बताओ, देखो ये हम अमेरिकन विलेज में आए हैं, हाँ। ठीक है ना, ये गांव है और इधर भी ऐसे ही है पूरे, देखो ना ओपन लैंड है, लोगों ने जानवर, ये घर के पले हुए जानवर है, हाँ। देखो बहुत से शीप्स रखी हुई है, वो किधर है वो सामने बड़े बड़े कपूरों वाला, कपूरों भी नजर रहती है हर किसी के, वो देखो जुमैन जी अंकल को भी दिखाओ ना जो हमें हेल्प कर रहे हैं, जुमैन जी जुमैन जी अंकल जो उनसे वो सामने घर है, हाँ इनका घर है बेसिकली, जो अंकल जा रहे हैं ना सामने, ये सब लैंड इनकी है, ये बड़ा लैंड लिया हुआ अंकल ने हैं, ये जुमैन जी अंकल जो उनसे इनका ये रखते हैं जानवर और बेचते भी हैं, मैं सिर्फ जिबा करूंगा लेकिन जो अनस्किन वो ये है, बाद में हम पूरा जो सालम बकरे होंगे बकरा और लैम्ब वो हम लेके जाएंगे उधर बुचर शॉप में और वहाँ से पीसेस बनवाएंगे। अच्छा और मामू के लिए अलग से कपूरे रख लेंगे, है कुछ लोग जिनको जरूरत है कपूरों की, जिनके अंकल वैसे मुझसे कैसी गंदी गंदी बातें, वो नहीं खुद बोलना शुरू कर देता, मैंने कहा मैंने तो कहा आपको कपूरे खाने हेल्दी होते हैं, जुमैन जी को दिखाओ पूरा टोट बटोट लग रहा है यार, ना छोटा सा गिटक, पिंड में आए तो पिंड वाले काम करें, हाँ चलो जी वो मैं पीछे पिंड वाला म्यूजिक लगा देता हूँ, वो ये क्या देखे है वो साथ, तेज है छुरियाँ तेरी, घर में यूज होती है छुरियाँ, ना देख मेरी तब इस टाइम ब्राउन वाले बकरे को कह रहा हूँ मैं, इसकी आंखों में आंखें डाल के इसकी जान ले सकता, वो अच्छा ये वाले हमारे, ओए 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 ये तो छोटा है ये वाला, कितना क्यूट, इधर आ
छोटा सा टेडी बकरा, ओए किधर भाग रहा है? ये तो बड़े छोटे छोटे से बकरे हैं, इनको क्या मार के बंदा करे? ओए होए होए, लेकिन क्या करूं, एक तरफ मटन भी इतना पसंद है मुझे, क्यों तुम मटन के गोश्त के साथ पैदा हो इस दुनिया के अंदर हैं? Yeah, I don't like to kill like females because the problem is yeah. Yeah, I want like male. एक बेबी गोट को मुझे पकड़ना पड़ेगा, बड़ा ही क्यूट है वो सामने। क्या हो गया मुझे फिजा के साथ रह रह के क्यूट क्यूट यही करता रहता हूँ मैं। नहीं ऐसे कि जब से बच्चा पैदा हुआ ना मैं छोटे, ओए कितना क्यूट, अपनी माँ के पीछे भाग रहा है छोटा सा। ओए ओए इधर इधर इधर, छोटा सा ये देखो बेबी गोट, ओए 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 ओए, भागी जा रहे भागी जा रहे। यार पाकिस्तानी गोट तो लड़ पड़ता था, हमारे जो पाकिस्तान के गोट होते थे उनसे थोड़ा सा पंगा ला, यूं आके टुड मारते थे ये तो। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा तो भागी जा रहे, पाकिस्तानी गोट के ना कपूरे शायद ज्यादा बड़े थे, वो तो लड़ पड़ते थे हर किसी से। वो जो सफेद वाला है वो छोटा है। वो देखो कौन सा सफेद वाला, ये छोटा यार, ये तो बहुत छोटा था, इसमें तो मेरे दांत नहीं गीले होंगे। मैं कह रहा हूँ वो लैम ले लेते हैं दोनों, वो देखो। अच्छा प्यारे खड़े हैं, दो नहीं खड़े हैं। अच्छा एक ये हम काले सर वाला कर रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, और एक वो पीछे वाला कर लेते हैं। हाँ हाँ अच्छे लग रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, यू नो ये रेडी हुए हैं बवाने के लिए। हाँ चलो इन दोनों को पकड़ो। अच्छा कितने कमीने हैं ये सारे, आगे देखी जा रहे हैं, लेकिन आओ तो भाग जाओ और नस जाओ, तारा नंबर आ जाए, नसो 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 पजो। देखो छोटा आइजन भी है, आइजन भी भाग रहा है छोटा सा, गिटक वैसे मेरा बड़ा दिल है बच्चा, गोट का बच्चा रखना ना, बड़े खेलते हैं बच्चे। आओ कुकड़ देखें जरा भाई। यार वैसे आपस की बात है, अमेरिका में बंदा फार्मलैंड ले ले ऐसी जगह पे, कितना मजा है जानवर पाले। हमारे पास है लेकिन हमने जानवर नहीं रखे ना, वो तो मैं नहीं, वो जो क्लीवलैंड वाले घर में उसने रख ली है। अच्छा आप रख लिए? हाँ वो मुझे कहते हैं मुझसे इन्वेस्ट कर लो, रख ले, सोच रहे हैं उसे कर लेते हैं जानवर ना। छोटा भी नहीं है वैसे। हैं कौन सा, व्हाइट वाला? नहीं नहीं छोटा है वो तो, वैसे भी गर्म है और किसी पे चढ़ रहा है, छोड़ो उसको एंजॉय करने दो। ये फीमेल है, ये जो है बड़ी है सबसे, लेकिन ये फीमेल है जो। यार इन गोरों को तो नहीं होता ना, इनको पता होता है, ये तो किसी को भी पकड़ के लंबा डाल देते हैं। अच्छा ये कुकड़ है बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे सारे, सारे अच्छे पट्टे हैं यंग है सारे। हाँ वो है ना एक बड़ा बीच में, ओए होए होए शेरा। इतने हिरन कितने होने, मैं तो ये सोच रहा हूँ, हिरन तो वैसे ही फिरते रहते हैं यहाँ पे वाइल्ड, बहुत होंगे। वैसे आपस की बात बताऊँ, इस बंदे से कहते तू एक हिरन ही पकड़ ले यहाँ पे जो घूम रहे होते हैं, हिरन का गोश्त कर लेते हैं। हिरन अभी हम जाएंगे ना अगले महीने हंटिंग पे। हाँ अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स आगे ना इंशाल्लाह एक ब्लॉग आएगा जहाँ पे हम हिरन की भी हंटिंग करने जाएंगे ना, इंशाल्लाह उसका भी काफी ज्यादा हमें मजा आएगा। आगे मामू ने सांप की हंटिंग का भी प्लान बनाया हुआ है। ओ मामा ऐसे इतने सांप है फैमिली में, उनको जाके मारो। बात सही है, जरूर फ्लोरिडा जाना है नागिन। ओ बाय द वे लोग समझ रहे हैं कि अकीका जो हो रहा है ना आइजन का, तो भाई वो ओली भी कटिंग सेरेमनी है, वो तो हमने पहले दूसरे दिन ही करवा लिए थे, ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि अकीके पे ही होती है। मैंने तो जितना जल्दी हो सके करवाया था, क्योंकि आगे जाके बच्चा इतना बड़ा होता है उनको पेन होती है। अब मैं पाकिस्तानी उस पे देख रहा हूं तो न्यूज पे 11-12 साल के बच्चे को फूल बना के उसकी नन्नू कटिंग सेरेमनी हो रही थी। हद हो गई यार, क्या हो गया इतने बड़े बच्चे के, जहाँ पे उसको नन्नू, जब उसको नन्नू का पर्पज समझ आए थे तब तुम कहते हो कि अच्छा अब इसको काट देते हैं आधा। व्हाट इज द सेंस? खैर कहने का मतलब ये है कि वो बहुत चीज पहले हमने कर ली थी, तो बस ये हकीकत तो यू नो बस एक सेलिब्रेशन टाइप ही कर रहे हैं, सेलिब्रेशन भी और यू नो मतलब कि एक इस्लामी चीज है और अच्छी रहती है बच्चे के लिए, और वैसे भी ना घर में थोड़ा सा दावत हो जाएगी, लोग आ जाएंगे, तो हमने कहा इसलिए हम कर रहे हैं। खैर एनीवेज अभी ना ये शीप्स को पकड़ते हैं भाई जान, अब हम रेडी हो गए हैं। ये अबे तुझे बड़ा पड़ यार, इस बकरे को नहीं ब्राउन वाले को बहुत शौक है मरने का, भाग यहाँ से हम उनको पकड़ने हैं। इनको पता ही नहीं अभी इनके साथ क्या होने वाला है। बॉयज एंड गर्ल्स देखो ये चीजें तो होती रहती हैं लाइफ में बेटा, लेकिन अब क्या करें, चांपे भी तो खानी है ना हमने। इधर आ जाओ जरा, इनको आगे आगे भगा रहे हैं ताकि ना वहां से गुजर के उस लैंड में जाए। चलो जी कुछ 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 सारे एक जगह पे गैदर हो गए। ओए 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 चलो जी चलो जी। एक कुत्ता बहुत भौंक रहा है, एक कुत्ते को भी पकड़ के यहाँ पे पेल देते हैं, फिर जाके किसी चीनी वीनी के घर देंगे इसे, वो तो खा लेते हैं ना। और वो बच्चे पे मुझे बड़ा तरस आ रहा है, आइजन पे उसका बच्चा ना देखो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। Few moments later. Oh my God. Musa, be careful, Musa. It's a rodeo. Rodeo show going on, guys. Look. Rodeo show. Don't let him go. बट टॉट बटर तो ये छोड़ गया जंगली के साथ। ओह माय गॉड, खुद कॉल पे लग गया।
हंसी जा रहा है वो देखो मुझे पकड़ा के नस गया मूसा का मैं कहता तो पद सुसु पार्टी सब निकल गया आज ओए भाई जान दो उसकी रस्सी मेरा हाथ ही नहीं पकड़ उसको नीचे तो मैं गिरा देना चाहिए यार वो मारा वो फेंकता हुआ गया वो देखो पिंजरा सारा तोड़ के गया भाई वो तो नस गया उधर ही ओए होए 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 बड़ा हराम दे यार वो पकड़ लियो तो वो देख कैसे ला रहा है वो टोट वो देखो जरा वो देखो बॉयज एंगल उसके हाथ ही चढ़ रहा वो और वो उसका माल लेगा उसे छितर मार मार के ला रहा है मामू मजाक समझ रहे भाई बड़ी जान है उसमें भाई ओ यार इसके तो कबूरे खा लिए तो मेरे तो नीचे गिर देंगे ये भी यल्ला ही ऐसा साला ये आ रहा है वो देखो हाथ ही नहीं चढ़ रहा बकरा सॉरी चला तेरे कान से पकड़ के ज़िब्बा करूँ आ जा बेटा छुरियाँ तेज हो गई हैं बॉयज एंड गर्ल्स अब इस बेचारे का टाइम आ गया है टांगे पकड़ने लगे ओए होए 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 ओ यार काबा की डायरेक्शन पता That way, very strong man. We have tied him up. All good. Bismillah rahman rahim. चलो जी चलो boys and girls ये हम एक कुर्बानी वाला नहीं दिखा सकते लेकिन कुर्बानी करके फिर दूसरे वाले को पकड़ते हैं जरा Later. ये अपना बंदा है ये तो बकरे के साथ लगा लेकिन सब छोड़ो ये मामू के काम देखो ये मामू किसके साथ लगे हुए साथ ही पकड़ के खेलना शुरू हो गया इनके साथ क्या हुआ कोई बैटरी में कमी रह गई थी क्या हो गया था साथ मैंने कहा पूरे खाने तुम्हारे लिए साफ कर रहा हूँ अच्छा लेकिन ट्रेनिंग कितनी है साफ करने की उठाने की सब कुछ वेरी गुड एट हैंडलिंग बकरे की तरफ आ रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा खून हाथों पे लगा हुआ है एज यू कैन सी आजा बेटा आजा बेटे गो पुश इट फ्रॉम द बैक डोंट टॉक टू मच लीव इट ओपन नाउ ओह शिट हियर वी गो अगेन मूसा से कपूरे पकड़ ले भाग नहीं सकेगा होल्ड हिम फ्रॉम हिज बॉल्स ये तो मुंह से शोर में मजा रख रहा नॉट फ्रॉम द बॉल आर यू क्रेजी यू वांट द बॉल्स गुड फॉर यू वी डोंट वांट टू मेस विद द बॉल्स व्हाट द रे वॉक इन टू द ट्री वॉक इन टू द ट्री और ये देखें लेले ने लैंप को काबू करने की कोशिश की है सॉरी टू से दिस पर आज मैं भी खूनी बन गया ये हाथ देखो मेरे हाथ पे खून लगा है मैंने पहला अपना बकरा सेक्रीफाइस किया जो व्हाइट वाला था मैंने किए गोट ना मामू ने मुझे इतना कहा मामू ने कहा तू ही कर आज तू ही कर मेरा नहीं दिल कर रहा था लेकिन बस हमने कहा कर लेते हैं कोई मसला नहीं मुझे लग रहा था मेरे से नहीं गला कटेगा ना लेकिन मैंने जोर लगा के सही काट लिया तो वाज़न्ट दैट बैड ऑफ एन एक्सपीरियंस अब क्योंकि मैंने काट लिया तो मुझे अगली दफा शायद ना मसला नहीं होगा लेकिन ये खून शून सारा लग गया मेरी घड़ी पे कपड़ों पे सारा तो ये धो के साफ करना पड़ेगा वो जो कार्लोस है ना वो भी शायद अभी आ रहा है वो जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कार्लोस से नहीं आ गए इसकी सुबह से मामू बात कर रहे हैं पापी चूलो ये देखना जरा हेलो हाउ आर यू पापी 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 चूलो पापी चूलो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ मच यू लाइक मी ओह यार लव यू ओ जी बॉयज गर्ल्स के ट्रक के पीछे ओ मामा छोड़ दे मन्नू ओए होए 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 बड़ी हिल रही है कैमरा भी पकड़ा हुआ है अपनी ग्रिप स्ट्रांग रखनी है बस आए आए ये बॉयज एंड गर्ल्स अरे बेटा तू भौंक ही सकता है छोड़ दे तू द होल पाकिस्तान ओ जेड जेड गेट सम बेरीज टू सम शॉरीज वाचिंग कालू कालू कोनी रे नो 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 मकबरा पूता क्या कह रहा है मकबरा पूता There you go. बॉयज एंड गर्ल्स कूलर लेके आए साथ इसी की वैन में डाल देंगे बड़ी बातें कर रहा कुनी 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 माँ का मारा पूता ओके पुतो लेट्स गो I did the goat one of them myself. Yeah, I cut the neck. I cannot do it. Damn, you cannot do it? No. Now you better watch out for me. You know, one of these days I'm gonna bring when I'm hungry. You know, looking for a fresh puta. What does puta mean exactly? Right? Dog? Beach? If you open the dictionary, you know it's gonna be Carlos's picture next to puta. हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स ये जब हमारा गोट है कट गया ठीक है तो यहाँ पे हम जरा बस इसके गोश्त वोश काट रहे हैं गोश्त काट के सारा कुछ करके गाड़ियों में लोड करके अब आपसे मिलेंगे काफी बन गए टेप Later that same evening. बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि हम बहुत देर बाद मिल रहे हैं ऑलमोस्ट शाम को वो सुबह का टाइम था जब मैं आपसे पहले मिला था जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो उस वक्त हम बकरे लोड कर रहे थे क्योंकि ज़िब्बा हो गए थे लेकिन फिर हम दुकान में देके आए मैं और मामू बकरों का फिर गोश्त वोश्त कट गया वो गोश्त में लेके आया तो बहुत चीजें बीच में हो गई लेकिन इतनी हैपनिंग हो रही थी कि बस मेरे दिमाग में
नहीं रहा रिकॉर्ड करना। तो अभी ये देखो आयजन को मैं लेके साथ फिजा के हूँ। फिजा ने बाल कटवाने थे 50 मिनट दूर, तो पता नहीं $100 के कितने के बाल कटवाने थे। उसके लिए हम दोनों देखो रगड़े जा रहे हैं। तो मैं वो तैयार व्यार हुआ हूँ क्योंकि रात को कोई मेहमानों ने भी आना था। बट एनीवेज ये कल के हकीके के लिए बाल कटवा रही ना, तो इधर आए मैं ये सलून में, पता नहीं कौन सा है। तुम्हारी कंप्लेन ही करता हुआ आ रहा था मैं चारे को, बड़ा मजा आता है तुम्हारी चुगली खोरी करने का। मैंने कहा सबसे महंगे सलून में जाना है। पॉजिटिव सीन ये है कि अभी ये बाल कटवा रही है फिजा, बड़ी बूजी सी जगह है यहाँ पे, और हमारा बेबी अभी फुल एंग्री बैठा हुआ है, ठीक है। वो फिजा कटवा रही है बाल। ओए होए क्या बात है, क्या बात है। सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहे हैं, छह बजे हम यहाँ पे ऐसे, टाइम देखो जरा। मैं और आयजन ने बैठे बैठे यूं करके ना हमारी हड्डियां बननी शुरू हो गई। हो गई तुम्हारी कटिंग, बाल कटे और पता भी नहीं चला, वो देखो जरा। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही। लेकिन आई थिंक उसने बालों की शेप को बदला है, सिर्फ काटे कूटे कोई नहीं है। अच्छा मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा, क्या मैं अंधा हूँ? ब्लॉग खत्म करने से पहले आपको सोफा दिखाते हैं जो उसका हमने वो बोर्ड बनाया, और जो थोड़ी सी डेकोरेशन और जो प्लानिंग है ना कल के दिन की। विल सी यू घर पे। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि हम सलून से आ गए थे वापस और अब रात का टाइम हो गया। असल में ये मेहमान भी आ जाए हुए थे, कल तो खैर आना ही है कीके के दिन पे। थोड़ी सी चीजें जमा करने में सारा टाइम लग गया, तो व्लॉग को ना इसलिए मैंने बड़े सेगमेंट्स में बनाया। लेकिन खैर जो जो भी चीजें दिखाने वाली थी वो तो सारी की है हमने। घर का जो थोड़ी सी तैयारी की हुई है वो ये है, एज इन ये चेक करो जरा सामने, ये सारा सा फिजा ने बनाया, फिजा ने और मामू की वाइफ ने ना मिलकर काट कूट के। लेकिन ये सारी डेकोरेशन ये फिजा ने की है। ये आयजन लिखा हुआ है यहाँ पे रेनबो शेम्बो बना के ऊपर, ये आयजन वाले गुब्बारे सामने, ठीक है। ये इसके हार्ट का सारा सामान इधर पड़ा है। तो यहाँ पे मेनली जो सारा एरिया होगा ना मेन वाला, यहाँ पे सारी औरतें होंगी और औरतों का जो बाहर का सेक्शन है वो भी है। बेसिकली यहाँ पे यू नो कुछ फैमिलीज होती है ना उधर सेग्रीगेशन पसंद करती है। एक बेसिकली वायर लगाई हुई है, वो नजर आ रही है ना, तो इस वायर पे ना पता नहीं ये एक पर्दा लगाएंगे क्या करेंगे, जो सेक्शन है ना ये औरतों का हो जाएगा उधर वाला ना। तो यहाँ पे कल के लिए टेबल चेयर मंगवाई हैं ताकि टेबल चेयर इधर लग जाएं। बाकी सारा ये वाला एरिया होगा ना, मे बी आई थिंक ये सोफे भी खिसका के थोड़ा पीछे कर देंगे, यहाँ पे चादर वादर बिछा देंगे। पंखे शंखे में मंगवाए हैं क्योंकि थोड़ा शाम के टाइम में भी गर्मी होती है। ग्रिल भी कल चालू हो जाएंगे, यहाँ पे पूरा बारबेक्यू अंगीठी लगेगी। जो बकरे थे उसका तो गोश्त वोश हमने दे दिए शेफ को, ठीक है। पुलाव वगैरह सारी चीजें बना रहा है और कल टिक्के का भी सामान उसी गोश्त में से लाएगा। तो सारी प्रेपरेशन हो गई है भाई, आज का दिन बहुत एक्टेड है। सो कल कीके का कैन नॉट वेट, इंशाल्लाह होपफुली इट्स अ सक्सेसफुल इवेंट। और फिर कल आपको ऑब्वियसली सारा डॉक्यूमेंट करके दिखाएंगे और शुक्र लगेंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच द कीका व्लॉग, एंड बिफोर यू गो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, बेल आइकन भी दबा देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।